जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा द फर्स्ट गोरखा राइफल्स के बारे में। फर्स्ट गोरखा राइफल्स गोरखा इन्फेंट्री रेजिमेंट में सबसे सीनियर है। फर्स्ट गोरखा राइफल्स की शुरुआत हुआ सन 1815 में। उस वक्त ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल रेजिमेंट का एक पार्ट हुआ करता था। उसके बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस वक्त पर फर्स्ट गोरखा राइफल को इंडियन आर्मी में ट्रांसफर किया गया और 1950 में ऑफिशियली स्वतंत्र भारत की सेना में रेज किया गया फर्स्ट गोरखा राइफल या फिर मलाउन रेजिमेंट को, जिन्हें डेंजरस मलाउन सोल्जर्स के नाम से जाना जाता है। मलाउन रेजिमेंट ब्रिटिश शासन काल से लेकर के आज तक कई सारे भयानक युद्ध लड़ा है। भारत के पहाड़ी जातियों में से गोरखास एक लड़ाकू, साहसी और शारीरिक रूप से भयानक ताकतवर एक जाति है। इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1965-1971 के युद्ध में ये गोरखा सोल्जर्स अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम की एक अद्भुत प्रदर्शन किया। फर्स्ट गोरखा राइफल्स का मोटो क्या है आप जानते हैं? इनका मोटो है बेटर टू डाई देन लिव लाइक ए कावर्ड, यानी कि कैरो की तरह जीने से मरना अच्छा है। इस रेजिमेंट के एक जाबाज सिपाही कैप्टन गुरुवचन सिंह साहब का नाम बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट को पता ही नहीं है। समय है 1961, जगह है कांगो। वहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन चल रहा था और उसमें गए हुए थे हमारे कैप्टन गुरुवचन सिंह साहब। वहाँ पर एक खतरनाक ऑपरेशन में उन्हें दो गोलियां लग जाती है, लेकिन गोली लगने के बावजूद 40 दुश्मनों को सिर्फ अपने खुखरी से उन्होंने काट काट कर मारा था। इस अद्भुत साहस, पराक्रम और वीरता को देखकर भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र भारत के सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड है। इसके अलावा भी इस रेजिमेंट में 3 महावीर चक्र, 16 वीर चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 3 शौर्य चक्र और 22 सेना मेडल से भी अधिक मेडल है। आज गोरखा रेजिमेंट का नाम भारत के खतरनाक और डेंजरस रेजिमेंट में आता है, लेकिन इस गोरखा रेजिमेंट का पहला नींव है मलाउन रेजिमेंट या फिर फर्स्ट गोरखा राइफल। दोस्त, भारतीय होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम भारतीय सेना के बारे में जानें। और इस वीडियो के दौरान अगर आपने कुछ भी भारतीय सेना के बारे में जाना है या फिर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इंडियन डिफेंस का एक ऐसा चैनल है जिसमें आसान भाषा में भारतीय सेना को आपके सामने रखा जाता है। जय हिंद, जय भारत।